हिमाचल की राजधानी शिमला में एशिया के इकलौते ओपन एयर स्केटिंग रिंग में जल्द ही स्केटिंग शुरू होने वाली है। ऐसे में लंबे समय से यहां स्केटिंग करने का इंतजार कर रहे सैलानियों सहित स्थानीय लोगों के लिए यह राहत की खबर है। हालांकि रिंग में घास व मैदान में गड्ढे पड़ जाने के चलते इसकी साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया है। आइस स्केटिंग क्लब के सचिव पंकज प्रभाकर ने बताया कि पिछले साल 16 दिसंबर को स्केटिंग शुरू की गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी करने का प्रयास किया जाएगा। लिफ्ट का कार्य चलने की वजह से ग्राउंड की स्थिति बेहतर नहीं है। ऐसे में 30 नवंबर तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में ही यहां लोग स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आइस स्केटिंग रिंग में पिछले साल जहां 52 सेशन हुए थे, वहीं इस साल भी यहां स्केटिंग के सेशन शुरू होना प्रस्तावित हुआ है। बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला सेमी नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के पास स्थित है। ब्रिटिश काल से अब तक इस रिंग में प्राकृतिक तरीके से ही बर्फ जमाई जाती है। नवंबर माह में जब तापमान में गिरावट आती है तो रिंग में पानी छिड़का जाता है, जिससे प्राकृतिक तरीके से जमने दिया जाता है, और जब बर्फ की परत मैदान पर जमकर तैयार हो जाती है तो उस पर स्केटिंग की जाती है। उधर रिंग के संगठन सचिव पंकज प्रभाकर का कहना है कि आइस स्केटिंग रिंग में स्केटिंग के सेशन मौसम पर निर्भर करते हैं। मौसम का साथ रहा तो रिंग की सफाई के बाद यहां बर्फ जमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में दिसंबर के पहले सप्ताह से स्केटिंग सेशन शुरू होने की संभावना है। मेरा नाम पंकज प्रभाकर है, यहां पर मैं शिमला स्केटिंग क्लब का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं। इस बार जैसे लास्ट ईयर हमने आइस स्केटिंग कोई 16 दिसंबर को शुरू की थी, पर इस बार हमें लगता है कि थोड़ा सा इसे जल्दी कोई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो जो ग्राउंड की स्थिति है इस टाइम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ लिफ्ट का कार्य का काम चल रहा है और इसकी वजह से क्या ग्राउंड भी थोड़ा शॉर्ट हो चुका है। तो अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1 दिसंबर को ये स्केटिंग शुरू कर दी जाएगी। वैसे तो थोड़ा सा कठिन काम है ये, पर हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हमें यहाँ पे मिट्टी मिल जाए, ताकि इसको लेवलिंग के लिए लेवल हो जाए इस ग्राउंड को, और इसमें हम थोड़ा सा बजरी डाल के जितना जल्दी हो सकता है इसको लेवल करें और ठीक कर दे, पर लगता नहीं है कि ये हो पाएगा 1st week of December तक। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रतियोगिता होगी। अगर मौसम ने हमें साथ दिया और थोड़ा सा ग्राउंड की जो स्थिति है वो भी थोड़ी सुधरी है, तो इस बार तो 100% हम कोशिश करेंगे करवाना ही करवाना है इसको। वैसे तो आगाज़ 1st week of December में शुरू हो ही जाता था। लास्ट ईयर थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से ये 16 दिसंबर को शुरू हुआ था और ख़त्म 22 फरवरी को हुआ था। इसमें जो कुल सेशन हुए थे वो 52 सेशन हुए थे, और जहाँ तक जिमखाना और कार्निवल वो हम करवा नहीं सके, बिकॉज वहाँ का उस टाइम जो वेदर था वो बहुत ही अनुकूल नहीं था स्केटिंग के लिए। सबसे ज़्यादा सेशन 1996 में लगे थे और टोटल 110 सेशन लगे थे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।